हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब यार। नई स्टिंग आ गई, ये देखो, ये रेड वाली सबने देखी थी और ये ब्लू वाली आ गई मार्केट में, एकदम नई आई है। तो आज देखते हैं स्टिंग कौन सी वाली अच्छी, रेड वाली या ब्लू वाली, और अभी देखते हैं इनका टेस्ट कैसा लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे नई आई हुई ब्लू वाली को, और ये रही ब्लू वाली हमारी स्टिंग, पूरा ब्लू कलर है इसका। ये देखो, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ब्लू हो, पूरा ब्लू आ रहा है। और ये अपनी रेड वाली, ये तो खैर सबने देखी है, बट फिर भी ये आ गई अपनी रेड स्टिंग। अब मेन बारी इसकी टेस्ट की देख लेते हैं, क्योंकि बबल वगैरह बाकी सब चीज़ बराबर है, सिर्फ और सिर्फ कलर में डिफरेंस दिख रहा है अभी तक। अब देखते हैं फ्लेवर में भी डिफरेंस है या नहीं। तो पहले अपनी रेगुलर वाली का फ्लेवर ले लेते हैं। बढ़िया, अब ब्लू वाली का देखते हैं। बिल्कुल चेंज है फ्लेवर में, जैसे स्टिंग अलग लगती ना, ये है ऐसी, मतलब कैसे बताऊं यार, जैसे बबल गम होती है ना, च्युइंग गम होती है, बिल्कुल बबल गम वाला फ्लेवर आ रहा है यहाँ पे। शादी में एक बड़ी सी ड्रिंक होती है, उसको डाल देते हैं, फिर सोडा डालते हैं, तब ऐसी ड्रिंक तैयार होती है। मतलब इसका टेस्ट मुझे सही लग रहा है। मतलब रेड वाली तो आप रेगुलरली पी रहे हो तो बढ़िया है, पर फिर भी ये मुझे ब्लू एकदम अनोखा और बढ़िया टेस्ट लगा इसका। बढ़िया, जैसे ये रेड वाली स्टिंग काफी मीठी थी, बिल्कुल ये भी काफी मीठी है और इंटेंस फ्लेवर है। जैसे रेड वाली का एक घुट भी अगर आप पी लो तो पूरे फ्लेवर आ जाते हैं मुंह में, एकदम सारा खुल जाता है, वैसे ही ब्लू का रहा है। अगर इन दोनों को मिला दे तो कौन सा कलर बनेगा, ये ट्राई करके देखते हैं। देखो इसमें ब्लू है और दोनों की क्वांटिटी मुझे सेम लग रही है, तो मैं ब्लू में थोड़ी सी रेड डाल रहा हूँ। पहले ब्लू में गई रेड स्टिंग और कलर हो गया यहाँ पे पर्पल। ये देखो, इसका ब्लू कलर था, रेड मिलाने से इसका पर्पल हो गया, ये रहा कलर पर्पल हो गया। अब टेस्ट में देखते हैं, कुछ फर्क आया नहीं आया। ड्रिंक बड़ी सही लग रही है, देखो अंदर से, देखो यहाँ से ग्लास में देखो कितनी सही लग रही है, दिख रही है ना, बढ़िया एकदम। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा आ रहा है। अभी ब्लू का फ्लेवर इंटेंस है क्योंकि रेड कम गई ना, अब रेड पूरी डाल दूं, अब तो ब्लैक हो गई। ये देखो ब्लैक कलर की स्टिंग बन गई, एकदम गुलाब जामुन जैसी। अभी देखते हैं कैसा आता है। यार अब तो सिचुएशन गड़बड़ हो गई, पता नहीं चल रहा कि कौन सा फ्लेवर आ रहा है। कुछ भी हो, मिलाने के बाद भी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, बट जब दोनों अलग थे तो मुझे, मैं पर्सनली बताऊं, रेड तो पसंद आई बट यहाँ पे ब्लू ज्यादा बढ़िया लग रही है। आप सबको याद होगा, अगर हम इस रिम को स्टिंग में डालते तो पूरे कलर गायब हो जाते हैं, अब क्या वो ब्लू के भी हो पाएंगे? अब इसको ट्राई करते हैं। तो रेड वाली इस ग्लास में डाल रहा हूं, ये आई ब्लू स्टिंग। तो पहले रेड वाली के कलर उड़ाते हैं। अब देखो ये रिम लिक्विड मैंने रेड स्टिंग में डाला और अब देखना क्या होगा यहाँ पे। उड़ जाओ कलर, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ। अब की बार जाएंगे कलर, कलर उड़ जाओ। और ये देखो, ये गए हमारी स्टिंग के लाल वाली के पूरे कलर गायब। देखो रिल लिक्विड से होता है कि पूरे कलर गायब हो जाते हैं। अब ये चीज हम ट्राई करके देखते हैं इस वाली के साथ, अपनी ब्लू वाली स्टिंग के साथ ट्राई करते हैं, ब्लू वाली के कलर जाएंगे या नहीं। अपनी ब्लू वाली स्टिंग के देखते हैं कि कलर जाते या नहीं जाते, और इसमें गए 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 कलर। और इसके साथ पता क्या हुआ था, जैसे ही हमने डाला था ब्लू से पहले पर्पल हुआ, एक बार कुछ के कलर बदले थे ब्लू से पर्पल हुआ और फिर इसके बाद पूरे कलर चले गए। अब ये देख लो, ये हमारी रेड वाली स्टिंग के कलर है और ये हमारी ब्लू वाली स्टिंग के कलर है। रेड वाली का तो नीचे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया। तो ये आप सबको पता चल गया कि जो रिन लिक्विड है ये इतना बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट है कि पूरे के पूरे कलर गायब करता है। इसलिए बोलते हैं कि अपने कलर कपड़े जब धोए तो इसको ना डाले, वरना उनके कलर निकाल लेगा। खैर अब अपनी स्टिंग पे आते हैं। स्टिंग की अगर मैं बताऊं, मुझे दोनों स्टिंग बढ़िया लग रही है यहाँ पे। खैर मैं रेड को कम प्रेफर करता हूँ, कम ही पीता हूँ, अच्छी लगती है, कभी कभार लगती है, पर ब्लू सच में ब्लू मुझे बढ़िया लगी यहाँ पे। और आपका मन कर रहा है तो अब आपके स्टोर के आसपास कहीं आ गई होगी तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं कैसा टेस्ट लगता है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ब्लू स्टिंग कैसी लगी।